हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिप्स की रेसिपी। एक बार आप इसको घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप इसको एक बार बनाकर घर में ट्राई करेंगे तो आप बाहर के वेफर खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं झटपट बन जाने वाले आलू के चिप्स। चिप्स बनाने के लिए मैंने दो आलू लिए हैं। आलू हमें ऐसे लंबे वाले चाहिए। फिर हम इसके छिलके उतार देंगे। छिलके उतारने के बाद हम इसे तुरंत ही पानी के अंदर डाल देंगे। पानी में डालने की वजह से जो चिप्स होते हैं वो काले नहीं पड़ते हैं। चिप्स काटने वाली मशीन से मैंने चिप्स काट लिए हैं। चिप्स कितना परफेक्ट बना है। अब इस चिप्स को भी हम पानी के अंदर डाल देंगे और इसको 3 से 4 बार पानी से हम अच्छे से धो लेंगे, इसके अंदर जो स्टार्च होता है वो निकल जाए। अब मैंने साफ पानी से इसको अच्छे से धो लिया है। अब एक भगोने मैंने पानी गर्म किया है, उसके अंदर 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद जब पानी उबल जाए तो हम सारे चिप्स उसके अंदर डाल देंगे। डाल दिए हैं और इसे मैं 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, आलू भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं चिप्स को बाहर निकाल लूँगी, नहीं तो ये ज़्यादा पक जाएंगे तो हमारे चिप्स अच्छे नहीं बनेंगे। अब मैंने चिप्स को एक छन्नी में निकाल लिया है और इस पर हम एकदम ठंडा पानी डाल के इसे ठंडा करेंगे। अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो चिप्स और ज़्यादा पक जाएंगे, इसलिए हमें इसके ऊपर ठंडा पानी डालना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं एक प्लेट में टिश्यू पेपर फैला के सारे चिप्स को ऐसे फैला दूंगी और इसे हमें पंखे की हवा से सुखाना है। और टिश्यू पेपर से दबा के मैं इसका सारा पानी निकाल रही हूँ, हमें चिप्स सूखे ही चाहिए। फिर मैंने एक पैन में तेल डाला है और सारे चिप्स को हम इसके अंदर डाल के इसको फ्राई करेंगे। तभी हमारे चिप्स में बहुत ही क्रिस्पीपन आएगा। देखिए सारे चिप्स एकदम अलग अलग तल रहे हैं। इसको हम पलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। देखिए कितना देखने में क्रिस्पी लग रहा है ये। अब हमारा चिप्स अच्छे से तल चुका है। अब हम चिप्स को प्लेट में निकाल लेंगे। ये चिप्स बहुत जल्दी बन जाता है, आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।